हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ सुगम और मेरे चैनल पर फिर से एक बार आपका स्वागत है। तो जी हाँ, अगेन मैं आज आपके साथ एक वेट लॉस का वीडियो लेके आने वाली हूँ। यकीन मानिए, ऑसम रिजल्ट देगा ये वेट लॉस का ड्रिंक। और जिनको भी दिक्कत है बहुत ज़्यादा फैट की, बहुत ज़्यादा चर्बी जम गई है, आफ्टर प्रेगनेंसी आपका पेट निकला हुआ है या आपका नॉर्मल पेट निकला हुआ है, फ्रेंड्स यकीन मानिए ये चीज़ आपके वेट को पूरी तरह से कम कर देगा और सिर्फ 10 दिनों में। अगर आपकी शादी होने वाली है, अगर आपको अपनी फ्रेंड की शादी अटेंड करनी है, तो अगर आपको झटपट वाला वेट लॉस करना है ना, तो इससे अच्छा ड्रिंक हो ही नहीं सकता है। इवन ये आपके पीरियड्स को भी बहुत अच्छे से नॉर्मल करेगी। पीरियड्स नहीं होते हैं उनको बहुत अच्छा सा फ्लो देगी, और जिनको भी पीसीओडी एंड पीसीओएस की प्रॉब्लम है पीरियड से रिलेटेड, उनको काफ़ी सही करेगी, स्मूथ करेगी। और जिनको भी पीरियड्स में ब्लड थोड़ा कम आता है, उनको उसका फ्लो काफ़ी ये अच्छा करेगी, क्योंकि आपको पता है कि पीरियड का फ्लो ही हमारे हेल्थ के को बताता है कि हमारी हेल्थ कितनी अच्छी है। आपने देखा होगा कि जब टीन एज में लड़कियां होती हैं 16 to 17 to 18, यानी 13 to 19, इस एज में जो उनका पीरियड होता है उसका फ्लो कितना अच्छा आता है, एंड 5 to 6 डे रहता है, और फर्स्ट टू सेकेंड टू थर्ड डे में आप भी उस दौर से गुजरे होंगे और आपको भी पता है कि पीरियड का फ्लो कितना अच्छा है। यानी इट मींस कि उनके जो ऑर्गन्स हैं, उनकी जो ओवरी है, उनका जो अंदर का जो भी चीज है वो काफी अच्छे से वर्क कर रही है। जब आप 22, 27, 27, 28, 30, 35 में आते हैं, तो ये पीरियड का डे आपका 2 से 3 दिन ही रहता है। आई थिंक सबके साथ ऐसा होता होगा, 3 डे रहता है और फ्लो भी काफ़ी बेकार सा हो जाता है। इट मींस कि आपका जो इंटरनल जितने भी बॉडी पार्ट्स हैं वो स्लो हो गए हैं और उन्होंने काम करना बंद कर दिया है। लेकिन ये जो चीज़ मैं आज आपको बताने आई हूँ, ये आपके फ्लो को उतना ही अच्छा रखेगा, यानी कि उतना ही हेल्दी वर्क करेगा जो कि आप 13 की एज में आपके बॉडी पार्ट्स काम कर रहे थे। जी हाँ, ये ड्रिंक उस चीज़ पे भी काम करेगा। तो मैं दो तरह की इस चीज़ में बताऊंगी। एक, जिनको पीरियड से रिलेटेड भी प्रॉब्लम है वो एक तरह से करेंगे, और जिनको सिर्फ फैट से दिक्कत है वो दूसरी तरह से करेंगे। और अगर बॉयज या मेंस इसको लेना चाहते हैं तो वो उनको भी मैं बता दूंगी कि किस तरह से लेंगे। तो दो तरह के ड्रिंक्स मैं बताऊंगी, लेकिन फ्रेंड्स यकीन मानिए कि आपका, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारी ब्यूटी, हमारी हेल्थ, हमारी बॉडी फैट, ये सब हमारे पीरियड यानी कि हमारे हार्मोन्स से संबंधित होते हैं हर गर्ल्स का। अगर हमारे हार्मोन्स बहुत स्वस्थ हैं तो ना ही हम मोटे होंगे, ना ही हमारे बाल झड़ेंगे, ना ही हम काले होंगे। जो भी स्किन टेक्चर है, काले इन द सेंस कि आप जिस भी स्किन टोन में हो, ना ही आप उससे ज़्यादा डार्क जाओगे, ना ही आपको बॉडी में स्पॉट पड़ेंगे, आप पूरी तरह से स्वस्थ रहोगे। स्वस्थ इन द मीन्स कि आप एक्टिव रहोगे, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आपके बॉडी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आपका चिड़चिड़ापन नहीं आएगा। इवन जिनको भी जब आप मेनोपॉज में चले जाते हो, यानी कि आपका जो है धीरे धीरे पीरियड्स बंद होने लगता है, उस समय आप कितने चिड़चिड़े हो जाते हो, तो ये इसमें भी वर्क करेगा। तो काफ़ी चीज़ें सोचने के बाद और इसे ट्राई करने के बाद इस ड्रिंक को आज मैं प्रेजेंट कर रही हूँ। फ्रेंड्स यकीन मानिए, एक बार जरूर ट्राई करिएगा मेरे कहने से। ऑसम रिजल्ट दिया है इसने लोगों को, जिनको जिनको भी मैंने सजेस्ट किया है। इस समय जितने भी मेरे बैच में लोग हैं, उनमें से 12 लोग ऐसे हैं जिनको कि पीरियड से रिलेटेड प्रॉब्लम है, और वो इस ड्रिंक को काफ़ी अच्छे से ले रहे हैं, और काफ़ी अच्छे से उन्होंने मुझे बताया कि सुगम, काफ़ी अच्छा मुझे इस पे फ़र्क दिख रहा है, मेरे पीरियड रेगुलर हो गए हैं, एक दो लोगों ने कंसीव भी किया है इसकी वजह से। तो एक बार अगर मैं इतना बता रही हूँ तो एक बार ट्राई जरूर करिएगा। तो टाइम को वेस्ट नहीं करते हैं, वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। लेकिन उससे पहले मेरे नए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, ब्यूटी से रिलेटेड, हेयर से रिलेटेड, मेकअप ट्यूटोरियल से रिलेटेड, वो सारी चीज़ें उस चैनल पर है। तो फटाफट से उस चैनल का लिंक मैंने नीचे दिया हुआ है, जाके चेकआउट कर लीजिएगा। तो चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। इसको बनाने के लिए आपको एक बड़ा कप पानी चाहिए, और इसके बाद आपको इसमें 1 इंच टुकड़े तक दालचीनी डालनी है, एंड सेकेंड चीज इज
वन टेबल स्पून आपको इसमें अजवाइन डालना है और इन दोनों को अच्छे से मिलने देना है ताकि इनका फ्रेग्रेंस, इनका अरोमा सब कुछ इस पानी में आ जाए। तो एक बार गैस को तेज रखिए, देन उसके बाद धीरे होने पे इसे 1 से 2 मिनट तक पकने दीजिए। सो जब अच्छे से इसमें बबल्स आ जाए, देन आपको गैस धीरी कर देनी है और इसे ढक कर 1 से 2 मिनट तक पकाना है। आफ्टर 1 से 2 मिनट बाद लो फ्लेम पर आपकी जो टी है वो बनके रेडी है। लेकिन जैसा मैंने बोला कि मैं 2 पार्ट्स में इसे दूंगी, एक जिनको पीरियड्स की प्रॉब्लम है और जिनको नहीं है। तो फर्स्ट मैं बताने जा रही हूँ जिनको पीरियड से रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं है। तो आपको क्या करना है, पहले ये टी आपकी बनके रेडी है, आपको गैस को बंद कर देना है और नेक्स्ट आपको इसे स्ट्रेन करना है। तो जिनको पीरियड्स की प्रॉब्लम नहीं है वो इसे ऐसे ही लेंगे सुबह खाली पेट और रात में बिफोर बेड खाना खाने के बाद, आपको इसे ऐसे ही इतनी गर्म लेनी है। अब सेकंड पार्ट, जिनको पीरियड से रिलेटेड दिक्कत है वो, उनको इसमें क्या करना है, उनको इसमें जब ये ठंडा हो जाए यानी कि जब ये लूक वॉर्म बचे, हल्का गुनगुना बचे, देन इसके बाद आपको इसमें 2 टेबल स्पून असोका रिस्ट ऐड करना है, 2 चम्मच सुबह 2 चम्मच रात। जिनको एक्सट्रीम लेवल पर PCOD एंड PCOS की दिक्कत है, पीरियड नहीं आता है, सिस्ट की प्रॉब्लम है, वो करेंगे। और जिनको इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ पीरियड्स का 10-15 दिन महीने में 2 बार या ऐसा कुछ है, वो इसे सिर्फ रात रात पे लेंगे। तो इस बात के ध्यान रखिएगा, जिनको एक्सट्रीम लेवल पर है वो सुबह शाम लेंगे 2 टेबल स्पून और जिनको हल्की लाइट दिक्कत है वो सिर्फ रात रात 2 टेबल स्पून लेंगे। तो इस तरह के 2 ड्रिंक्स हैं जो आपको अपनी डाइट में ऐड करने हैं, किसी भी डाइट के साथ, कोई भी ऐसा नहीं है किसी स्पेसिफिक डाइट के साथ। और इसका बहुत लोगों ने फ़ायदा उठाया है, तो आप भी फ़ायदा इसका उठाइए और अच्छे से इंजॉय करिए इस ड्रिंक को। कि ड्रिंक बनाना बहुत आसान है, हर घर में अवेलेबल है और इसमें जो आयुर्वेदिक चीज़ मैंने डाल दी है इसकी वजह से इसके जो गुण हैं वो और ज़्यादा अच्छे हो गए हैं। और इसको ट्राई करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। वीडियो जरा सा भी इंफॉर्मेटिव लगा हो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पसंद आया हो तो फटाफट से सब्सक्राइब करिएगा। मिलती हूँ बहुत ही जल्दी एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।